हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉबी ब्लॉग। तो गाइस, आज कुछ चीज़ों का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या है। सो गाइस, मेरे पास कुछ पार्सल आए थे, कुछ एक पार्सल अमेजोन से आए थे, मैंने खुद मंगाए थे। तो कुछ पार्सल लुधियाना से और एक पार्सल आया था देहरादून से। तो गाइस, आइए अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं एंड दिखाता हूँ कि इस पार्सल में क्या है। मुझे तो पता है कि इस पार्सल में क्या है। तो गाइस, सबसे पहले ये बड़ा वाला पार्सल खोलेंगे। तो गाइस, ये पार्सल जो है ये लुधियाना से आया है एंड ये मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर कालेब। तो पिछले वीडियो में आपने उसे देखा ही होगा, तो उसी ने मुझे भेजा है। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये अनबॉक्सिंग करने के लिए नेपाली खुबरी एंड यहाँ से इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो एक कैपो है। ये कैपो है, गिटार का कैपो एंड टैंटडे जो। तो गाइस, ये एक स्टैंड है, कैमरा स्टैंड। तो आगे वाले ब्लॉगिंग में मुझे काम आने वाला है। तो ये स्टैंड मुझे कालेब ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच कालेब स्टैंड के लिए। देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासिक सा एंड बहुत हैवी है ये स्टैंड। और यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है और इस हुक का काम जब हैवी पिंड होता है तो कुछ यहाँ पे हैवी वेट हैंग करने के लिए होता है, ताकि ये स्टैंड गिरे ना हवा से, तो उसलिए होता है। और यहाँ पे पकड़ने के लिए एक ग्रिप भी है, एक आप देख सकते हो, और ये मूव करने के लिए हैंडल भी है। तो बहुत कूल है। तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने ब्लॉग में। जो दूसरा जो चीज़ है गाइस, आप लोगों को पता ही है मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ एंड मोटो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ साउंड क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करूँ एंड कुछ अपग्रेड करूँ। तो गाइस, ये पार्सल जो है, ये पार्सल मुझे देहरादून से मेरे एक फ्रेंड है ललिता, तो उसने मुझे सेंड करा ये पार्सल। तो इस पार्सल में मैंने GoPro का माइक एडाप्टर मंगवाया है। तो आइए इसको भी खोलते हैं। तो गाइस, ये है GoPro का एडाप्टर। तो आइए इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो गाइस, ये है एंड इस एडाप्टर का कॉस्ट है 4300। पता नहीं क्या है, GoPro वालों ने पैसा कमाने का लूट मचा रखी है, तो बहुत एक्सपेंसिव है ये भी। एंड ये हो गया एडाप्टर, इसको मैं लगा के देन मैं अपना माइक अटैच कर सकता हूँ। मैं आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करके अटैच करना है। तो पहले अनबॉक्सिंग को ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। जो दोस्तों, ये जो तीसरी प्रोडक्ट है वो भी ब्लॉगिंग के लिए ही है। तो ब्लॉगिंग गाइस बहुत महंगा पड़ने वाला है, ब्लॉगिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा। एंड आइए थर्ड प्रोडक्ट को देखते हैं। इसमें वही कुछ यूज़र मैनुअल कार्ड एंड वारंटी कार्ड एंड ये है बोया का माइक, ये डेड कैट एंड बोया का माइक, शॉटगन माइक। तो ये भी मैंने ऑर्डर किया था ब्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, इसके साथ दो वायर आते हैं, एक इसको आप कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और दूसरा फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। दो वायर है और एक वही सस्ता सा एंड चीप सा कवर ये है इसको होल्ड करने के लिए, शॉक प्रूफ माउंट। दोस्तों, जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ब्लॉगिंग के लिए ही मैंने ऑर्डर करवाया है, तो इसको भी खोलेंगे और देखेंगे क्या है। तो गाइस, जब मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ और एडाप्टर मंगा लिया है तो इसको भी मंगाना ज़रूरी था। ये है दोस्तों रिलांजी V2। तो इसके साथ दो स्टिकर, कैमरा ब्लॉगिंग एसेसरी UUR रिंग का स्टिकर एंड दूसरा स्टिकर है रिलांजी
स्मॉल ब्रांड फोकसिंग ऑन कैमरा एंड ये मेन प्रोडक्ट। तो ये है यूलान जी का प्रोडक्ट, आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो एडेप्टर लगेगा GoPro का एंड यहाँ पे GoPro जाएगा। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ एडेप्टर को, फिर इसका हम इसको लगाएंगे, टेस्टिंग करेंगे एंड एडेप्टर को भी टेस्ट करेंगे एंड जो इस माइक को भी हम टेस्टिंग करेंगे अभी। तो गाइज अब मैं इस माइक को कैमरे में लगाने वाला हूँ, तो उसके बाद जो आगे का वीडियो है मैं इससे शूट करूँगा। तो ऑब्वियसली सी बात है पीछे जो पानी है उसके कारण आवाज़ मुझे नहीं लगता कि साफ़ आ रहा होगा, कैसे आ रहा है आप लोगों को अब वो देख के पता लगेगा बाद में। तो गाइज इस माइक को हम इसमें कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू, तो टेस्टिंग भी करेंगे कि आवाज़ कैसा आ रहा है। तो गाइज इस माइक को जोड़ने के बाद मिलते हैं। सो गाइज ये GoPro एंड Boya के माइक मैंने इसमें अटैच कर लिया है एंड अपनी वॉइस क्वालिटी आप लोगों को अच्छा आ ही रहा होगा और आपको पता लग रहा होगा कि पहले का क्वालिटी कैसा था अभी का क्वालिटी कैसा है। आई थिंक आपको जो एक्स्ट्रा नॉइस है वो काफ़ी हद तक ये फिल्टर कर रहा है। तो गाइज आप मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे और आपको वॉइस क्वालिटी भी बेटर मिलेगा। सो गाइज यूट्यूब खर्चा करा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा करा रहा है, यूट्यूब मुझे महंगा पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। एंड प्रोडक्ट कैसा है Boya का माइक तो मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू बताऊँगा। एंड यूलान जी का केस ये भी बेटर है, अभी आगे आगे यूज़ करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि कैसा है, तो वैसे वैसे मैं रिव्यू आप लोगों को देते जाऊँगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।